अस्सलाम वालेकुम शुक्र साहब, क्या हाल है? था वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम सर, सामीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम साहब। सर तुम अपना थोड़ा जो तारुफ करा देंगे अपना अपना नाजरीन ना जो तुमने अहले देखी लगा। शुपियां किलर शुपियां और नड़वा ते इस वक्त BSc स्टूडेंट हैं SP कॉलेज श्रीनगर ते डिप्लोमा कर रहे हूँ ITI के थ्रू। प्लस कुछ सोशल एक्टिविज्म भी करवा अपना डिस्ट्रिक्ट का जरा हमारा तबका ही गरीब तबका ही जड़ी मारी पसमानदा जात इलाका ही उनमें जड़ी मारे सहूलियात पहली मारी प्रॉब्लम है आम सहूलियात जरा काफ़ी दूर वहाँ अपना बुनियादी सहूलियात नहीं होती उसे ही वजह नाल थोड़ी थोड़ी कोशिश करा एडमिनिस्ट्रेशन का तावन नाल प्लस हमारा कुछ सोशल एक्टिविस्ट ही उनका तावन के नाल कुछ जी हमारी सोसाइटी है हमारी डिप्रीवेड कम्युनिटी है उनकी हालात बेहतर करने की कोशिश करा जी। शोक साहब, सबसे पहले तो हम दसेंगे कि हमारा इलाका त्राल मामी ने बाकी इलाकों में पता नहीं है, लेकिन त्राल को हमेशा पे के हुकूमत है इलाका त्राल ही रहना होगा। उसका लोगों ने आज भी कल भी एजाज करियो कि हमने 108 बिजली बिल, लेकिन आज वह 360 आ गए, 362 वह आगे बिजली बिल थे। इसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे, गुजर इलाका में बिजली बिल ठीक है नहीं? हाँ बेशक तुमने सही फरमाया। त्राल में एजुकेशन का अगर लिहाज नाल भी हम देखा काफ़ी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी ना मुश्किलात थी उसके बावजूद ये हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी प्रॉब्लम है चाहे पुलवामा का दूसरा इलाका हो सिंगरवाइन हो या इस साइड से हमारा पापर जो हो ओवरऑल हमारी कम्युनिटी जड़ी है या इसमें बिजली की प्रॉब्लम हमने अक्सर रहे क्योंकि हम उतना इस्तेमाल नहीं करता जितनी हमने बिल वैसे सही तुमने फरमाया हमने उतना इस्तेमाल नहीं करता। इस वास्ते इंतजामिया ने एक असल हमारा वास्ते एक किस्म को उस दौरान लाए अमल तैयार करना चाहिए ताकि हमारी कम्युनिटी जड़ी है हम स्याल में हम बिजली नहीं इस्तेमाल करता अक्सर हमारा जरा पोल टठा भी या बाकी चीज़ भी हमना बेहतर तड़ा में हमारा तक बिजली नहीं पहुंचती लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामिया जो है हमारा को फीस बराबर है जो बिल्कुल एक किस्म की हमारा नाइंसाफ़ी है। त्राल का काफ़ी इलाका में बिल्कुल मैं खुद देखे हो तो यह बड़ी नाइंसाफी है बारनल बिल्कुल सही फरमाया तुमने। जी सर, थारा बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई तम अपना नाजरीन में कहना चाहिए? नहीं मारी है गुजारिश है यूथ ने खास कर जरा पढ़े लिखे भी मारा नौजवान ही आज पढ़े लिखी लगा भी एक ओण की जरूरत है क्योंकि मारी वह कम्युनिटी है जी आज तक हर किसी सियासी पार्टी हो चाहे वह रीजनल हो चाहे वह नेशनल लेवल ही हो हम दबाने की कोशिश किया हम एज वोट बैंक इस्तेमाल किया तो इंशाल्लाह हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम एकजुट हो जाएं और उन लोगों ने अगे आने को मौका दिया जो हमारा बारे में सुनी जो हमारी जो हमारी तजवीज़ भी या जो हमारी परेशानी उनको हल करने की कोशिश करी ना कि फिर ऐसा हुआ हमारी कम्युनिटी की पिछला 65 साल या 70 साल से हमारी कम्युनिटी की जी हालात थी वे नहीं बदली तो हम देखो काय भी चेंज नहीं हम उन्हें आज भी उन्हें टारा मारा बाकी चीज़ वो हमारा एक कल्चर भी है लेकिन हमारा एजुकेशन से हम बैक हाँ या बाकी फैसिलिटी हमने अवेलेबल नहीं या क्योंकि हम एक एजुकेट हमारी सोसाइटी जी है वह अनएजुकेटेड है इलिटरेसी है हमारा में ज़्यादा हमारा यूथ जड़ा ही वे इकट्ठा नहीं होता या हम अलग अलग हमें अलग अलग एक किस्म सिस्टम में बनाए भी हम एकजुट नहीं होता तो मेरी ये गुजारिश है सारा ना कि थारा गोजरी FM पेज के थ्रू की मेहरबानी करके एकजुट हो जाओ ताकि एक उन लीडर ने मौको दे या उन लोगों ने मौको दे आगे आने को जरा मारी कम्युनिटी के बारे में सोचें क्योंकि हम पिछला 70 साल से कुचला गया और मारी हर दिन ते दिन अगर देखी मारी बदतर हालात में खासकर कश्मीर डिवीजन की गल करूँ रजौरी पुंछ माशाल्लाह मारते काफ़ी अगे वे मारो सपोर्ट करने लगा लेकिन कश्मीर में हम काफ़ी पीछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया थारो मौको देने वास्ते कॉल वास्ते। सर थारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक गल होनी थारी इस गल के नाल ऐड करना चाहो, अक्सर जेड़ा हमारा ये इलाका में जेड़ा लोग हैं ये आज भी प्राइमरी स्कूल वास्ते तरसी लगा, मिडिल स्कूल वास्ते तरसी लगा, या और एनए स्कूल वास्ते तरसी लगा, बल्कि आज का दौर में ये यूनिवर्सिटियां वास्ते तरसे रुड़ का, डिग्री कॉलेज वास्ते तरसे रुड़ का, तो क्या हमने डिग्री सही है कॉलेज जो बिल्कुल हमने, बिल्कुल बिल्कुल बल्कि आज भी ये प्राइमरी सही स्कूल फरमाए वास्ते, हाई स्कूल में हमारा इलाका में इलाका ड्राल में हाई स्कूल एक है उसमें 3 कमरा है, इसी तरह बहुत सारी मिडिल स्कूल एक है उसमें भी 3 कमरा है, जिड़ी में हमने कल प्रोग्राम करे हमने पहले दिसी नहीं किया स्कूल है जिड़ी स्कूल में हमारा कल कल्चरल प्रोग्राम तो उसमें दिसा नहीं, क्योंकि हम स्कूल के पांते करने लगाया उसका ग्राउंड में करने लगा कल्चरल प्रोग्राम, ऐसी का हमने जगह बेशक दिसी है। बेशक तुमने सही फरमायो एक गल और कर लियो बेहद भी माफ
मसलो यो है अक्सर कि हमारा जरा यूथ ही या जरा हम खुद एक किस्म का नहीं इन चीज़ों ने गवारो करता कि हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा। हमारा जरा यूथ ही उन आगे आने की जरूरत है और उन एक किस्म को अपनी कौम की हालत मतलब खुद बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम खुद देखो हमारा स्कूल की ला देखो हमारा उत टीचर डिप्लाई किया हुई डिस्ट्रिक्ट का रूम वे नहीं पहुँचता। हमारा बच्चा जो है वे फोर्थ सिक्स फिफ्थ माँ या एट्थ माँ स्कूल छोड़ दी मजदूरी करने लग जी या बाकी चीज़ ही हमारा ये मतलब हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। यूथ ने खास कर आगे आने की जरूरत है। माशाल्लाह बहुत असल प्रोग्राम किया थारी तारीफ करते हूँ इस माशाल्लाह इस मौको है तक असल प्रोग्राम किया इंशाल्लाह ऐसा प्रोग्राम की जरूरत है। ये प्रोग्राम हमना हेल्प करी जो आम लोगों तक पहुंचेंगी क्योंकि एक तमने प्रोग्राम किया इसके नाल चार और जड़ाई और जगह भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लोग कि ऐसा प्रोग्राम हो ऐसी अवेयरनेस कैंप हो ताकि हमारा लोगों ने भी पता लगे कि हमारा हकूक के ही और हमारा नाल आज तक के नाइंसाफी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया तारो कॉल में वास्ते और इंशाल्लाह हम तुमने मजीद भी अपने नाल जुड़ता रंगा कॉल और अपना प्रोग्राम में हम तुमने दावत देता रंगा और मजीद गल जड़ी के कुम बारे करता रंगा कुम की बेहतरी वास्ते जड़ी भी गल इंशाल्लाह वे हम सामने लेता रंगा अपना नाजरीन रंगा अल्लाह हुकाम के सामने और इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन हम उम्मीद करा एडमिनिस्ट्रेशन की कि वे भी उस हमारी गल ने सुन के गौर करेंगे और नोटिस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तारो बहुत बहुत शुक्रिया था बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सलाम। तो नाजरीन ये था चौधरी शौकत शबीर साहब और जड़ा के एक सोशल एक्टिविस्ट भी और आईटीआई भी करने लगा। तो नाजरीन इसी तरह हम अगर लोगों ने जड़ा वे कमेंट करेंगे भी हम पढ़ लें। नवाज अहमद लिखने लगा वेल डन बहुत बहुत शुक्रिया। निजामुद्दीन लिखने लगा त्राली साहब द ग्रेट बहुत बहुत शुक्रिया सर थारो बहुत बहुत शुक्रिया। मुंशी गुजर लिखने लगा भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है थारो। शकील सोनामर्ग लिखने लगा अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम गुलाम मुस्तफ़ा कौशी मेरा बड़ा भाई लिखने लगा कि गुड वर्क बहुत बहुत खूब शुक्रिया थारो बहुत शुक्रिया। सरफराज अहमद लिखने लगा भी गुड वर्क बहुत शुक्रिया थारो भी। परवेज़ अहमद साथी लिखने लगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा टॉपिक तो आज हुई कि बिजली बारे हमारी कौम में जड़ी है मुश्किलात थी उन बारे हमने वो टॉपिक चके तो जिगर जट माशाल्लाह बहुत खूब बहुत बहुत शुक्रिया थारो भी। फयाज अहमद खटाना साहब और लिखे गुजर कौम की आवाज़ गोजरी FM देखो और शेयर करो ताकि मजीद लोग देख और आवाज़ मुतलका हुकाम तक पहुँच सके। थारो बहुत बहुत शुक्रिया। निज़ामुद्दीन सरफी राजौरी सब लिखने लगा अस्सलाम वालेकुम जनाब खैर है बहुत। वालेकुम सलाम बहुत बहुत शुक्रिया थारो। तो नाजरीन कराम मीना लगे कि हमने थारो भी मुझ सारो टाइम ले लिया और हमने जो गल थी भी हमने कुछ एक थारे तक रखी और इंशाल्लाह मजीद हम जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह कल फिर करांगा। तब तक अपना मेज़बान नूर मोहम्मद तराली ना और अपना सारा संगियों के समेत दे।